पीरियड्स पर लीव होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, काफी टाइम से ये विवादों में है और अभी तक ऐसा कोई रूल भी नहीं है। तो मेरे साथ यूथ है जो कॉलेज जाते हैं, सीधा हम जानेंगे स्टूडेंट से कि उनकी क्या राय है, पीरियड्स पर लीव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कहाँ पढ़ती हैं, क्या नाम है और आपको क्या लगता है कि पीरियड्स पर लीव होनी चाहिए या नहीं? हाय, दिस इज खुशी फ्रॉम लेडी ओबिन कॉलेज एंड आई एम अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता ऐसी लीव होनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली इतनी केपेबल है इतना सब कुछ बियर करने के, हमारे हॉर्मोन्स नेचुरली ऐसे सेक्रेट होते हैं कि हम उतना बियर कर पाते हैं। तो आई डोंट थिंक लीव जरूरी है, ऐसा नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि इनको नई नीड लगती ही, ऐसी ही कल स्मृति रानी जी ने भी, क्योंकि दोनों सदनों पे ये क्वेश्चन उठा है कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि एक इक्वालिटी की बात आ जाती है तो कोई जरूरत नहीं है और हम लोगों को पीरियड्स हो रहे, वी आर नॉट हैंडीकैप। तो आप कैसे देख रहे हो इस चीज को? लाइक पीरियड्स बहुत पहले से होते आ रहे, ऐसे तो है ही कि बिल्कुल कुछ न्यू है हमारे लिए। एंड जब हमारी मदर्स, हमारे ग्रैंड मदर्स वर्क कर सकती है घर में, जो कि उनके लिए बहुत हेक्टिक होता है एज कम्पेयर टू अस, हमें ऑफिस में जाके भी काम करना होता है तो उसमें हमें इतना फिजिकल वर्क नहीं लगता, मेंटल वर्क होता है आजकल ज्यादा। तो मेरे ख्याल से पीरियड्स को लेके छुट्टी देना सही नहीं है, इक्वालिटी की बात है और साथ में हम कैपेबल है तो क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। अभी हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम आगे वाली जनरेशन को क्या बताएंगे कि पीरियड्स आ रहे, सो जाओ घर पे आके, काम मत करो, 5 दिन अपने खराब करो, मत पढ़ो। ऐसा तो बहुत अनफेयर है ना। हम लोगों ने अपने आपको स्ट्रांग बनाया था, हमें आगे वाली जनरेशन के लिए सोच के करना चाहिए कि उनको भी आगे स्ट्रांग बनना है। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका थी तो उस पर चीजें नहीं निकल कर सामने आई और कहा गया सरकार भी इस पर कोई विचार नहीं कर रही और कल स्मृति ईरानी ने स्पष्ट कर दिया, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यूथ लगातार ये कह रहा है कि जरूरत नहीं है, आपका क्या कहना है? आई समहाउ फील दैट द वे शी डिस्क्राइब्ड इट कि हम हैंडीकैप नहीं है, इट कुड हैव बीन जस्टिफाइड इन अदर वेज एज वेल। अगर वो ये कहती कि हो सकता है कि जैसे कि जॉब्स में ऐसा वो जॉब ज्यादा प्रेफरेंस देने लग जाएगी मेल्स को क्योंकि वो 4 दिन ज्यादा के काम करेंगे, तो आई थिंक अगर वो उस तरह से जस्टिफाई करती तो ज्यादा बेटर रहता। बट द वे शी डिस्क्राइब्ड इट कि हैंडीकैप नहीं है, क्योंकि बहुत लोग पीरियड पेन को दे एक्चुअली कंपेयर इट टू मोर इंटेंसिव पेन एज वेल, कि लाइक हार्ट अटैक्स भी कुछ लोग कंपेयर करते हैं एंड ईच बॉडी इज डिफरेंट, लाइक सबको अलग अलग लेवल का पेन होता है। इश्यूज होते हैं क्योंकि आप लोग कॉलेज जाते हो, दिक्कतें होती होंगी, इश्यूज होते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज लाइक सबके लिए अलग अलग होता है, लाइक मेरा लेवल ऑफ पेन टॉलरेंस एंड किसी और का पेन टॉलरेंस बहुत डिफरेंट होएगा, ठीक है। सो लाइक मुझे पर्सनली इतना इश्यू नहीं होता है, बट आई हैव मेट अदर पीपल जिनको बहुत पेन होता है, जो सुबह आ नहीं पाते हैं या उनको काम करने में डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ऐसा एक सब्जेक्टिव व्यू नहीं, मतलब सब्जेक्टिव व्यू लेना पड़ेगा हमको इस चीज का, बिकॉज सबको अलग अलग लेवल्स का पेन होता है एंड सबके लिए इट इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। बहुत लोगों की ये भी राय होती है कि एक चॉइस होनी चाहिए कि पीरियड लीव होना या नहीं होना, एक चॉइस पर डिपेंड करना चाहिए, तो आप इसे कैसे देख रही हैं? आई डोंट थिंक सो पीरियड लीव होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो फीलिंग है ना एज अ वुमेन दैट यू आर स्ट्रांग इनफ टू एंड कैपेबल इनफ कि तो आप बहुत दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहे हो एंड ये स्ट्रांग फीलिंग ही बहुत है हमारे लिए कि दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहे हो एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड ऑफ एनी पीरियड लीव, दैट्स इट। अच्छा, कोई तो मतलब अगर हम आप लोगों के अजम्पशंस पर जाएं तो आप लोग मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि कोई नीड नहीं है, लेकिन आपका ये कहना है कि जिस स्टेटमेंट से उस चीज को बोला गया है वो थोड़ा ऐसे बोला जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इक्वालिटी की जब बात आती है तो अगर ये लीव दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इस पर इक्वालिटी पर सवाल उठेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, इक्वालिटी पे हम तब भी सवाल उठाते हैं कि एक औरत रात के 2 बजे उस इक्वालिटी से चल नहीं सकती है। सो बस एक कॉन्सेप्ट को इक्वालिटी पे लेके जाना कि हम उनको छुट्टी नहीं देंगे बिकॉज मेल्स मतलब उनको नहीं दे रहे, सो देर आर अ लॉट ऑफ मोर एरियाज जहाँ पे मेल प्रिविलेज वुमेन प्रिविलेज से ज्यादा होता है। अगर हम जॉब एरियाज में भी देख लें, आई थिंक देर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल्स इन मोस्ट कॉर्पोरेट ऑफिसेज, राइट? सो अगर आप एक चीज उठाओगे पीरियड लीव की तो आपको बाकी चीजें भी उठानी चाहिए कि जिधर मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आपको क्या लगता है कि अगर लीव्स दी जाती हैं तो क्या ये इक्वालिटी का इशू होगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर इक्वालिटी थी तो गॉड भी इक्वालिटी रखता हमारे अंदर। वुमेन्स के पास देखो, आफ्टर मैरिज वुमेन होती है जो कि घर एंड ऑफिस दोनों संभालती है, लेकिन बॉयज के लिए क्या होता है, वो बस अपना ऑफिस संभाल रहा होगा, कोई घर पे काम नहीं भरता। सो मतलब कि इक्वालिटी तो कहीं पे भी नहीं है। वुमेन्स मे बी फिजिकली थोड़ा सा वीक होएंगी,
और मेल्स भी काफ़ी वीक होते हैं, ऐसा नहीं कि वुमेंस ही रहती हैं, बट आजकल के जॉब्स में बेसिकली हमारी मेंटल स्टेबिलिटी देखी जाती है जो वुमेंस के पास ज़्यादा है। आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते कि एक वुमेन अपने मतलब कि अभी प्रेग्नेंट है, उस बाद उसने बेबी किया, उसके बाद वो जॉब पे जा रही है अपना, वो भी अपना 100% दे रही है उधर, तो मतलब कि आप देख सकते हैं मेंटल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। देखिए आप स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर अपने एक्सपीरियंसेस भी बता रहे हैं, और उनका कहना है कि पीरियड लीव की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस स्टेटमेंट्स जो सामने आई हैं उनको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता था, लेकिन कोई नीड नहीं है। हम वर्क करते हैं और बहुत टाइम से इसी तरीके से काम करते आए हैं, तो इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन स्टेटमेंट्स को इस तरीके से सामने लाना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी पर बात ना आए। पीरियड लीव्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये काफी टाइम से विवादों में है, लेकिन आज हम महिलाओं के बीच हैं जो काम करती हैं, उनसे जानेंगे क्या वो चाहती हैं पीरियड लीव्स हों, क्योंकि अभी हमने हाल ही में कल एक बयान देखा है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद कहा है कि पीरियड लीव्स जो है वो जरूरी नहीं है और नहीं होनी चाहिए, और सीधा बातचीत करेंगे और समझेंगे कि महिलाएं क्या कहती हैं। आप डेली वर्क करती हैं, किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस होता है, और सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल होगा कि आपको लगता है पीरियड लीव्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और जो कल आपने बयान देखा है जो स्मृति ईरानी का कहना है साफ तौर पर कि पीरियड लीव्स की जरूरत नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि पीरियड्स हैं हम हैंडीकैप नहीं है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्टेटमेंट को? जी, मेरे हिसाब से पीरियड्स लीव नहीं होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, राइट, तो देर शुड नॉट बी अ डिफ्रेंसिएशन, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। हाँ, जहां पर महिलाओं को कभी कभी बहुत अति में प्रॉब्लम होता है तो दे शुड बी कंसिडर्ड, बट दैट शुड बी ऑन अ पर्सनल बेसिस, उतना हमको ह्यूमैनिटी रखना पड़ेगा, राइट। आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो हम लोग को हर महीने दो लीव्स अलाउड होती है, पेड लीव्स अलाउड होती है, तो आई फील कि दे कैन ऑलवेज बी एडजस्टेड इन दोज टाइम। ओके, एक नॉर्मल इंसान की जब मैं बात करती हूँ, एक नॉर्मल महिला की जब मैं बात करती हूँ, तो हमारी डेली की लाइफ में उस टाइम में हमें कोई रियायत वैसे भी नहीं मिलती है। अगर हम घर पर भी हैं तो देर आर थाउजेंड थिंग्स दैट वी आर ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है ना, तो आई पर्सनली डोंट एडवोकेट दिस स्टफ। देखिए, ये एक राय हमने आपके सामने रखी, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे और समझेंगे कि क्या उनका इस पर कहना है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उन्होंने कहा था केंद्र सरकार पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कल ये बात स्पष्ट हो गई कि केंद्र सरकार ऐसा कोई लीव्स पर विचार नहीं कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है या एक डिबेट कह लें बहुत टाइम से विवादों में है, तो क्या आपको लगता है इस पर ब्रेक लगना चाहिए? आपका क्या अपना ओन परसेप्शन है, आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप भी एक वर्किंग वुमन है? ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि पेड लीव होना चाहिए, दो दिन या तीन दिन, तीन तो खैर ज्यादा हो जाएगा लेकिन दो एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए पेन अलग अलग है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और सभी का काम अलग अलग है, तो उसमें भी बात देखी जा सकती है कि कई बार मुझे ग्राउंड लेवल पे जाना होता है तो नहीं जा पाती हूँ, नहीं आगे काम कर पाते। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहूंगी, जो टर्म यूज हुई है ऑब्वियसली बहुत डिग्रेडिंग है, हैंडीकैप्ड, आपको खुद सोचना चाहिए बीइंग अ फीमेल, आप ऐसे ही टर्म को यूज करो महिलाओं के लिए तो बहुत अपने आप में गलत बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पेड लीव्स की बात आती है, अगर पीरियड लीव्स की बात आती है, तो एक इनइक्वालिटी की बात जुड़ जाती है। जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमें लीव्स क्यों चाहिए? इक्वालिटी की बात करते हैं लेकिन हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजिकली वी ऑल आर डिफरेंट, लाइक मेल एंड फीमेल दोनों अलग हैं, तो फिर बायोलॉजिकली जब हम इस चीज को जानते हैं तो फिर डिफरेंस तो है, लेकिन इक्वालिटी हम राइट्स में बात करते हैं इक्वालिटी की, बायोलॉजिकली हम नहीं कह सकते कि वी ऑल आर सेम। सो मुझे ये लगता है आप भी वर्किंग वुमन है, आपको भी बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, तो जब आप पीरियड्स के दौरान काम करती हैं तो क्या आपके मन में भी ये थॉट आता है कभी कि पीरियड लीव्स होनी चाहिए? मैं तो ज़रूर कहूँगी कि पीरियड लीव होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मेरी कुलीग ने कहा है कि सबका पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है, और कई जो होते हैं फर्स्ट डे हो या सेकेंड डे हो तो वो फिर किस तरह से उसको टैकल करें, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि पीरियड लीव होनी चाहिए, और इस तरह से इनडिफरेंस की बात नहीं है, ये अपनी खुद की बात है कि आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, हम कितनी औरतें कितनी चीजों में मैनेज करती हैं, तो इस चीज में अगर मान लो आपको आप उसको मद्देनजर रखते हुए कहें कि हाँ भाई उनको जरूरत है, तो जरूर पीरियड्स की लीव होनी चाहिए, ये मेरा कहना है।
बहुत सारे लोगों से जब हमने बात करी, जब यूथ से बात करी, तो उनका भी यही कहना था कि एक चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। तो क्या आप भी इसमें बिलीव करती हैं कि एक चॉइस दी जानी चाहिए? हाँ, अगर मान लो चॉइस की बात है तो जरूर चॉइस देनी चाहिए। ये तो अगर चॉइस की बात है तो चॉइस देनी चाहिए। कई जो है, कई इट्स नॉर्मल फॉर देम, कई जो है कहते हैं कि लाइक वी हैव टू, वी कांट फंक्शन प्रॉपरली, तो चॉइस होगी तो एटलीस्ट आई यू नो वे यू कैन यू नो मैनेज इट। आई एग्री ऑन दैट। तो देखिए, लगातार हम आपको जो है सारी राय रख रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो है वो सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना जी भी जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे जब सवाल करूंगी तो एक वुमेन होने के नाते ही करूंगी। तो मैम, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आपको लगता है ये जो काफी टाइम से विवाद चलता आया है, पीरियड लीव होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एज अ सोशल एक्टिविस्ट नहीं बट एज अ वुमन? देखिए, हम सबको पता है वो पेन किसी के लिए किस उस तक जा सकती है, एंगल तक हर एक ही अलग है। जब स्मृति जी ने ये बयान दिया, मे बी उनके पीरियड्स पेनफुल नहीं होंगे, तो उन्होंने वो बयान दिया, पर उन्होंने क्या ये सोचा कि मैं एक कंसल्टेशन कर लूं, अलग अलग फील्ड से महिलाओं को बुलाऊं, जो काम आप कर रही हैं, अलग अलग फील्ड से लोगों को पूछ रही हैं, क्या उनको नहीं करना चाहिए था? ये बयान उन्होंने अपने लिए दे दिया, बट वो तो रिप्रेजेंट करती हैं पूरे भारत की महिलाओं को, वो तो मिनिस्टर हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय की, तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उनको मुझे लगता है कि सबका अलग अलग, जैसा मैं सब बोल रहे हैं, पेन का थ्रेशोल्ड है और सबकी चॉइस होनी चाहिए। जिनको लगता है पीरियड्स में वो काम कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं कर सकते हैं उनको बाकायदा रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतना पेनफुल हो सकता है, इट इज वेरी पेनफुल फॉर सम पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो मैं चाहती हूं कि ये एक उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए और कॉर्पोरेट्स को ये लागू हो जाना चाहिए, और उसके बाद उसमें एक क्लॉज डाल देना चाहिए कि ऑप्शनल है, कि अगर आपको नहीं लेना है तो इट्स इज फाइन, बट अगर जिनको अवेल करनी है उनको अवेल करने देना चाहिए। मुझे लगता है मैम, स्पेन की बात करें, बिहार की बात करें, वहां पर ये लीव्स जो हैं वो दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से कह दिया था कि केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन कल स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ हो गया, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने खुद कह दिया केंद्र सरकार ऐसा कुछ विचार नहीं कर रही है। तो क्या वो फिर से सवाल खड़ा होता है, क्या वो नीड है, वो होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ हम स्टेटमेंट की बात करें, दूसरी तरफ अगर हम परसेप्शंस की बात करें, मैंने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि हम नहीं मांग रहे हैं लीव ना भी हो, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, स्टेटमेंट तो बहुत इनसेंसिटिव है, उसमें तो मैं दोहराई नहीं है, नॉट ओनली फॉर वुमेन, फॉर हैंडीकैप पीपल ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए और दोनों ही गलत किए। महिलाओं के लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया, और एक उनके पास एक आंकड़ा नहीं है कि उन्होंने 10 महिलाओं से बात की हो, मुझे नहीं लगता उन्होंने की है। की है तो बताएं कि मैंने की थी और ये एवरेज निकल के आई है कि ऐसे महिलाएं ही रिजेक्ट कर रही हैं। तो जब तक डेमोक्रेसी में आप सबको साथ में लेके नहीं चलोगे, आप क्योंकि उस कुर्सी पे बैठे हो और आप ये सोच के बैठे हो कि मैंने जो बोल दिया वो सर्वप्रिय और सब उस पर है, वो गलत है। मुझे लगता है कि उनको कुछ ना कुछ महिलाओं से बात करनी चाहिए, उसके बाद ये कंक्लूजन करना चाहिए। और सेकेंडली, ऐसी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स, हैंडीकैप तो वर्ड ही आजकल डिक्शनरी में नहीं है, और बोलना भी बड़ा इनसेंसिटिव है, स्पेशली एबल्ड, स्पेशली चैलेंज्ड वर्ड्स भी आ गए हैं, और वो भी नहीं आ गए तो स्पेशली एबल्ड, मतलब बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं जिनका चयन कर सकती है। हैंडीकैप वर्ड मुझे लगता है अपने आप में ही बहुत गलत उन्होंने बोला है। दूसरा कि देखिए, बिहार स्टेट में ये लागू हुआ है तो उन्होंने भी कुछ चर्चाएं की होंगी, तो ऐसी स्टेट से उनका आप रिपोर्ट भी ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये कैसा चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये मैटर ऑफ यू नो, हर एक की ओपिनियन अलग अलग होती है, तो मैटर ऑफ डिस्कशन भी है। मैम, ये कब तक ये डिस्कशन रहेगा? बहुत लंबे सालों से विवाद चलता है, क्या आपको लगता है कि इस पे एक फुल स्टॉप लग पाएगा? देखिए, अगर लीडरशिप में स्मृति जी जैसे लोग रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कभी हो पाएगा। मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो सबको साथ लेके चले, और महिलाओं के मुद्दे पे वो वैसे ही चुप रहती हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी के मुद्दे पे बोलती हैं, या वो जब ऑपोजिशन में कुछ होता है तो बोलती हैं। महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं 17 साल से मैं काम कर रही हूं और मैंने अलग अलग सरकारों को देखा है, मुझे लगता है जितनी स्लो स्पीड से, या वो काम ही नहीं कर रही है, मैं बोलूंगी वो डिफंक मिनिस्ट्री है एक तरह से, और कभी वो सिर्फ बयानबाजी के अलावा मुझे उनका कोई पुख्ता काम दिखता नहीं है। आपने कहा 17 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम होती है क्या उन दिनों काम करने में? मैं चाहूंगी कि ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये ओपनली कह भी रहे हैं कि डिफिकल्टी मुझे तो होती है, एंड आई नीड रेस्ट, लाइक आई नीड प्रॉपर रेस्ट। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सबका अलग अलग है। मैंने ऐसे भी फ्रेंड्स देखे हैं जो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता,
वेरी एक्टिव, दे आर सुपर एक्टिव, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. और हमारे तो एथलीट्स हैं, स्विमर्स हैं, आर्मी में लड़कियां हैं, तो उनको देखा जाए तो वो लोग को कौन पूछ रहा है. बट ये अगर आएगा तो उन लड़कियों के लिए अच्छा है जिनको तकलीफ होती है और होती है. ये बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि कुछ महिलाओं को, मुझे लगता है अगर आप सर्वे करें प्रॉपरली आपको समझ में आएगा कि 50-60% महिलाओं को रेस्ट चाहिए. देखिए आप सुन रहे थे महिलाओं को, हमने डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बातें की, हमने यूथ से बात की और हमने महिलाओं से बातें की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ लोगों को जरूरत है तो ऑप्शन होना चाहिए. और बाकी अगर पेड लीव की बात नहीं भी है तो ये जो स्टेटमेंट यूज किया गया है कहीं ना कहीं उनसे उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची. कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली.